सो हे गाइस, दिस इज डे सेकंड एंड तो अभी हम लोग इस कोलम बीच में आए हैं एंड आपको सीन दिखाते हैं कोलम बीच का। क्या सीन देखे हैं? एनर्जी सीन के मजा। गाइस बीच देखो, बीच थोड़ा गंदा है बट स्टिल इट्स गुड। भाई भाई साहब, भाई क्या लहरें चल रही है। बना हुआ है इधर एक बहुत बड़ा एच लिखा हुआ है जहाँ पे हेलीपैड इधर है। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड रूम में आ चुके हैं एंड पूरा पसीना हो गया। भाई इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है अकॉर्डिंग टू बैंगलोर, मतलब कंपेयर टू बैंगलोर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है कसम से। भाई मेरे को अभी फ्रेशन अप होना पड़ेगा एंड ऐसी कुछ ऐसा रूम है नॉर्मल सा। इधर वॉशरूम वगैरह है एंड बाहर भी मतलब ठीक ठाक सा एक मतलब प्योर कॉटेज टाइप वाइब थोड़ा मिल रहा है। यहाँ पे दो चेयर वगैरह है मतलब ऐसा है। उधर साइड भी मतलब कोई है लोग वगैरह, आई थिंक केयर टेकर वगैरह लोग रहते होंगे आई थिंक सो। सो या दैट्स इट। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं समथिंग अराउंड 1 बज रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं गाइस एंड पूरा सनस्क्रीन वगैरह लगा चुका हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। वो अलग बात है मैं पहले से काला हूँ फिर भी मेरे को और खाना नहीं होना है गाइस इसीलिए। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बीच में जा रहे हैं एंड हंस दो सुरेश अभी 5:30 हो रहे हैं एंड इधर से गाइस बीच में चलते हैं, उधर देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा खाना वाना खा लेंगे उधर। सी रहा है यहाँ पे कुछ रोप वोप लगा हुआ, आई थिंक मे बी फॉर सम कॉशंस होगा आई थिंक मे बी, बट सही है देखने के लिए है बस और कुछ है नहीं। वैसे हम इसमें जाने वाले तो थे नहीं वैसे भी, बट ऑब्वियसली हम थोड़ा क्लिश पे थोड़ा बैठना चाहते थे बट यहाँ पे नहीं है गाइस ऑप्शन ही। सो गाइस ये स्लीमर अभी हम लोग जो यहाँ पे ब्लैक बीच की तरफ बढ़ रहे हैं एंड यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर दिन मतलब कि सो तो मुझे जस्ट सी द वेव्स गाइस
5 इंच हाँ सौ भी ब्लैक बीच होगा हाँ सब पूरा नाको नाको ऋषि भाई साहब देख सकते इसको बोलते हैं ब्लैक बीच पूरा आई मीन थोड़ा ब्लैक टाइप का है इसीलिए दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लैक बीच एंड के चप्पल भी हो सर दोस्त रहा छो सर भैंस डो यस रेम भाई कंगल छो दिस्किट डो रेम है के सब पूरा थी दुपा मास है मस मैं तिम की दुपा यहाँ जो दे दो दे मास है रे ओ कितो हो दिखे चप्पल लाखो हल्की देने दबे रे चप्पल लाखो हल्की देने दबे इसे वो वो इंसान हो गया क्या बैंड जो सही नहीं आता उसके बैंड क्या मस्त है बैंड आज पुरतोर्स ओके दिस बैक और अनएक्सपेक्टेडली इसके छोड़ मुझे फक गाइस भाई बहुत मतलब तेज वेव आया भाई पूरा ये हो गया हम मुझते खे खे में फक यू लो बैंक पूरा छिमा छिमा छस गया कुरुम पूरा आ के क्यों छिम दिखे जे 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 ब्लैक इज नहीं आप ब्लैक इज नहीं बट इश आईफोन मार दे
सिंध तो पान गया चाहिए और है ये मुंडा तेरी मना दिस योर दे आने मन लड़ाओ ए इधर ना दिस यस क्या है तो इन्हें वाल जो है सिर्फ तुम क्या मरे नंबर उसे इन्हें वो पे दूध के गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड पूरा गीला कर दिया गाइस इसका पूरा कपड़ा गीला हो गया इसके कान तक में पूरा मतलब रेत वेत चला गया एंड मेरा बेसिकली शॉर्ट पैंट थोड़ा सा गीला हो गया एंड बाकी कुछ नहीं गया मज़ा आया गाइस एंड निकलते हैं सो गाइस अभी हम लोग अभी रूम में आ चुके हैं एंड डे फर्स्ट का व्लॉग इधर ही खत्म होता है गाइस एंड आई होप यू एंजॉय इट अ लॉट एंड बहुत सारे प्लेसेस मैंने देखे हैं एंड या गाइस थोड़ा एफर्ट भी डाला है गाइस थोड़ा नहीं बहुत एफर्ट डाला है गाइस एंड लिटरली वाइज बहुत मेहनत है एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज़ नॉट इंक्लूडेड बाय द वे आई मीन गाइस की आई मीन वो एक्सपेंसेस वो अलग बात है वो मैंने अपने दम पे खर्चे किए हैं एंड आप गाइस इधर खाना बहुत बढ़िया है एंड अगर आप इसको गोवा से थोड़ा कंपेयर करें तो आई विल रेट दैट गोवा इज़ बेटर क्योंकि गोवा के बीच के आसपास जो है कैफ़े होता है जो कि ऑन अ सी लेवल बट इधर क्या है कि इधर थोड़ा क्लिफ वगैरह है इधर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था आई थिंक एंड आई डोंट नो मतलब क्लियर नहीं है गाइस बट स्टिल इधर थोड़ा कैफे जो है थोड़ा ऊपर नीचे चलना पड़ता है एंड मेरे जैसे इंसान को भाई बहुत तकलीफ होता है उसमें भाई कसम से बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है मतलब इतना सीढ़ी नीचे उतरा फिर ऊपर चढ़ा भाई ऊपर से बीच में भी जाने नहीं दे रहा है ये नहीं कि मेरे को बीच में तैरना था बट एटलीस्ट गाइस मैं बीच के पास जाके थोड़ा मतलब यू नो गाइस की थोड़ा पैर वैर में थोड़ा मतलब पानी वानी लग जाए मतलब थोड़ा आस पास में बट उधर नहीं जाने दे रहा था ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस इट्स ओके बट स्टिल जब गाइस मैं गोवा वगैरह गया था एंड जब पलोलम बीच पलोलम और कलंगुट बीच में गया था एंड बागा बीच वगैरह साइड में गया था तो मतलब उधर उतना मतलब नहीं था उधर सब नॉर्मल था उधर एक लाइन था दैट्स इट बट हम लोग को जो है पानी में एटलीस्ट जाने देते थे एंड इधर वो नहीं था अब उसका थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट लगाऊंगा बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड प्लेस एंड या यू कैन ट्रैवल विथ योर फ्रेंड्स यू कैन ट्रैवल विथ योर फैमिलीज इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस एंड यहाँ पे जो है सब मतलब 90% लोग को इंग्लिश वगैरह सब पता रहता है अगर हिंदी पता नहीं रहता है तो बेसिकली जो ऑटो वाला रहता है उन लोग को भी इंग्लिश पता रहता है जो मैंने नोटिस किया एंड जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एंड दैट्स इट सो मेरे को मज़ा आया पहले दिन में एंड सेकेंड दिन में देखते हैं एंड या माई बर्थडे इज़ कमिंग सो लेट्स गेट इट दो दिन में आ रहा है सो बर्थडे का एक स्पेशल वॉक आएगा एंड कल सो अभी उधर जाने के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूँ एंड अभी मैं ऐसे ही मतलब बाहर बैठा हूँ अपने यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पूरा पसीना हो गया मतलब इतना थका हुआ हूँ मैं अब भाई मेरे को बस चाहिए रेस्ट एक आराम सा नींद एंड या दिस जो हमने जो होटल वगैरह मतलब जो मतलब मिला है सो इधर मतलब एक पूरा मतलब कॉटेज वाइब दे रहा है जो मतलब मेरे को जो वाइब मेरे को गोवा में मिला था वैसा मतलब सेम टू सेम ठीक है मतलब गोवा जैसा तो नहीं बट सेम टू सेम मिल रहा है मेरे को एंड दैट्स गुड सो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ देखो ये भी मिलता है ये झूला जो कि बहुत मज़ेदार है एंड यहाँ पे जो है दो मतलब चेयर्स वगैरह मिलता है एंड ये देखो इधर एक मस्त सा थोड़ा गार्डन वार्डन भी बना है भाई मज़ा आ रहा है एंड उधर लैंप वैम्प भी लगा हुआ है अगर किसी को कुछ आई मीन फॉर द नाइट साथ में सुअर भी दिखे सुन के मतलब थोड़ा उधर मतलब हेल्प होता है गाइस सो या इट्स गुड एंड इधर सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगाया गया एंड पानी का थोड़ा दिक्कत हुआ था एंड रूम इज़ एवरेज रूम इज़ गुड मतलब रहने लायक है एंड दैट्स इट और हम लोग स्टे कर रहे थे ग्रीन हाउस पे जो कि मतलब बीच के बगल में ही है बस 5 मिनट्स वॉक है सो दैट्स गुड सो इसकी ब्लॉग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस एंड मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके उतना कर दो गाइस अभी चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है चैनल का व्यूज़ थोड़ा डाउन चल रहा है सो प्लीज़ गाइस हेल्प मी सो या ओके गाइस बाय बाय